गुड आफ्टरनून सबको। तो आज फाइनली जिस काम के लिए मैं रोज कॉलेज जाता था वो काम पूरा हो गया। नोट ड्यूज वगैरह पे थोड़ा सा वो साइन करवाना था, इसलिए छुट्टियों में भी रोज मेरे को कॉलेज जाना पड़ता था, लेकिन अब तो 3-4 दिन मैं इसकी शक्ल नहीं देखता। तो अभी चलते हैं घर, काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। घर जाते जाते मैंने अपना ये ग्राउंड देखा जहाँ से रोज जाते थे हम, रोज तो पूरा ही खाली होता था। आज यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, शायद सामान वगैरह आया होगा कुछ। चंडीगढ़ की फेमस बाइक गाइस देखो, तो हर किसी तीसरे बंदे ने यही बाइक रखी हुई है। तो बड़ी ही मेहनत से पैदल चल चल के मैं पहुँच गया घर। आज मैंने सोचा था कि एक्टिवा नहीं लेके जानी कॉलेज, क्योंकि रोज उसमें जाता हूँ, फिर ऐसे थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। वैसे अभी तो कोई घर पे है नहीं, अंशिका नानी और मम्मी वो आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सुहाना गए थे कॉलेज से आके, रेस्ट वगैरह तो होगी है सारी, हम निकलते हैं दूध लेने। फ्रेंड्स हमारे यहाँ महान लोग आ गए घूम फिर के, कैसा लगा आपको ठंड में ऑटो में आके? बहुत अच्छा। ये क्या दिया गाइस देखो, अंकल ने काट दिया वजन घटाने वाला, मम्मी को काट दिया। कैसा लगा ऑटो में आके ठंड में? बहुत अच्छा, मजा आ गया। इस ठंड में इनकी हालत हुई है खराब, अच्छा हुआ मेरे को लेके नहीं जाते, ये ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। मम्मी और नानी अंशु को छोड़ आए थे पीछे ऑटो में ही। ओए खाने के लिए क्या लाई मेरे लिए? ब्रेड पकौड़ा। तो फ्रेंड्स अंशु मेरे लिए लाई है ब्रेड पकौड़ा और समोसा, ये देखो। तो अंशु मेरे लिए आई है समोसे और ब्रेड पकौड़े। कहाँ से लाई अंशु? दुकान से। कौन सी? दो तीन दुकानें हैं यहाँ पे, कर्नल की दुकान, जहाँ पे गोल्ड की दुकान, जहाँ पे हमने टिफिन के लिए पूछा था। देखो अब उसने टिफिन पता कितने का कर दी, 50 का। सो गाइस 50 रुपए का अंशु टिफिन खा के आई है, भूखी तो बड़ी है। ब्लॉग का पीछे फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट होगी खाने। क्या खाना? कैसे लगे कमांडो के समोसे? टेस्टी, चटनी इन्होंने सॉस जैसे। आपको कैसे लगे समोसे? चाय होती तो बहुत कमांडो के, वेरी टेस्टी, बढ़िया वाली चटनी। नानी आपको कैसे लगे समोसे? बूढ़ा वाली नहीं है, ठीक है, गर्म खा रही है। और ये उसकी स्वेटर, 16 को उसका बर्थडे तो उसका गिफ्ट तो आ गया, बस यही है उसकी जी। पैंट भी है, ये है उसकी पैंट, आ गया रियान का गिफ्ट, लंबी लग रही मेरे को। तो मम्मी मेरे छोटे से भाई के लिए BTS वाली स्वेटर ले आए हैं देखो। तो लाइट तो है नहीं इसलिए फ़ोन की बैटरी 10% ही बची, फ़ोन भी हमने लैपटॉप से चार्जिंग लगाए हैं, ये लैपटॉप फ़ोन चार्ज लगा हुआ है अभी 10% बैटरी, देखते हैं लैपटॉप की भी 8% बैटरी बची, देखते हैं कहाँ तक होती है चार्ज। कौन सी बताओ क्या? एक और चीज आगे रहेंगी, ये देखो गाइस ध्यान की, बस और कुछ 1.5 घंटा हो गया, लाइट तो है नहीं। अंशिका की बैटरी कितनी है? 59, इसकी बैटरी 59 है। फ्लैश ऑन करके ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, लाइट तो पता नहीं कहाँ चली गई। वैसे तो ब्लॉग मेरे 2-3 बजे तक पोस्ट हो जाते थे, पर आज मैं लेट हो गया और आज लाइट भी वैसे ही चली गई। गाइस लड़ाई होगी हमारे बीच, चल ठीक है, याद रखना ये चीज, याद रखना। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे लाइट आ गई है, और इन्होंने लाइट आते ही मेरे को चाय बनाने भेज दी है, तो अब बनाते हैं इनके लिए चाय। तो गाइस चाय मेरी यहाँ पे पूरी होने की कगार पर है, बस एक चुटकी दूध। तो फिर से सेकुआ, सो गाइस मैंने आज चाय उबलने से बचा ली, इतना महान काम किया मैंने। चाय तो मेरी बन के तैयार हो गई है, टेस्ट करता हूँ कैसी मिली। हाय 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 गाइस, शर्त लगा लो ऐसी चाय कभी नहीं पी होगी। चाय बनने के बाद मेरी सर फ्रेंड्स लाइट भी आ गई और कॉलेज का काम भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है, चाय भी पी ली सबने, सब कुछ कर लिया, गिफ्ट भी आ गया रोई का। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में, बाय।